क्यों नहीं राजकुमारी? बाबा जी इधर देखिए, अरे तुझे बहुत नाज है ना अपनी खूबसूरती पर, अपने हुस्न पर। अरे ये बाबा लोग तुझसे भी सुंदर है, तुझसे भी अच्छे खासे हाथे खट्टे हैं, देख तुझसे भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। राजकुमारी तुम जिसे बाबा कहती हो, हाँ बाबा ये बाबा नहीं है राजकुमारी जी, ये मेरे मकर मामा है, मामा और मेरे चाचा उदल है। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, झूठ बोले तुम। मैं सच कहती हूँ, झूठ बोले तुम। कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग? चले जाओ यहाँ से, दबा जाओ, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं है, दफा हो यहाँ से। किनार कर मंत्र पत्थर बना तो बुला, हथकड़ी तू चला ना चलेगी चचा, अब तुम्हारी कला और मान जाओ इसी में तुम्हारा। गुस्सा हो रही है हमसे, नाराज क्यों हो? गुस्सा वाली बात ही है मामा जी और चाचा जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप लोग उससे झूठ बोले हो ना, इसका बदला तुम्हें मिलेगा, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, मैं भी अपने भाई को बुलाती हूँ हैंडसम को, वो तुम्हें तुम्हारा जायज है बेटी, लेकिन हम इंदल को लेने नहीं आए हैं, हम सिर्फ इन्नल को देखने आए हैं, पता लगाने आए हैं। अगर हम अगर इसको ले भी जाएंगे तो बगैर आपके इजाजत हम नहीं ले जाएंगे, कभी नहीं। अगर तुमने जरा सी भी जोर जबरदस्ती किया तो मैं तुम्हारे लोगों को, मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी, अपने भाई को बुलवाऊंगी, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी डलवा दूंगी, तुम्हें कंकर पत्थर बना दूंगी। बेटी तुम्हारा गुस्सा जायज है, मगर मैं तुमसे एक विनती करता हूँ। कैसी विनती? कि इंदल को मुझे दे दो, इंदल को दे दो। ये नहीं पूछोगे कि मैंने कितना कष्ट उठाया इसको लाने में, हाँ कितना जादू किया, कितना तप किया है, और शायद तुम भी ये नहीं जानती हो बेटी। और कैसे लाई हूँ मैं कि मैंने कितना कष्ट उठाया है इसको यहाँ तक पाने के लिए। ले जाना चाहे तो क्या कहना चाहते हो? कहिए बेटे, सुनिए हमारी बात, सुनाइए। कहते दाई दल को दे दे बेटी मुझे, मांगता मैं यही तुझसे वरदान है, इसके बदले में चाहो अगर तुम सुता अपनी जा को बेटे। आप इसे ले जाना चाहते हो? क्यों कि ये मिला बार गंगा के वरदान से चांद चले जाने का मत इन्हें नाम लो, विभावन करा साथ प्यारे के मावे मुझे।
इसी वक्त इनल के साथ मेरी शादी करवाइए और शादी करके अपने भतीजे इनल को भी ले जाइए और मुझे भी ले चलिए बेटे। हम आपको मोहब्बत इस तरह नहीं ले जाएंगे। फिर कैसे? हम मोहब्बत से बारात लेकर आएंगे और धूमधाम से तुम्हारी शादी करके ले जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं मानूंगी मैं। फिर कैसे मानोगे? आप मामा कौन है इसमें? आप ही की ये कौन है? आप हैं? आप में से कोई कसम खाइए गंगा माँ की तरफ हाथ उठाकर, गंगा माँ की तरफ हाथ उठाकर कसम खाइए कि बेटी मैं कसम खाता हूँ, गंगा माँ की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा हूँ या झूठी कसम खा रहा हूँ तो रण में मेरी तलवार काम ना आए। बेटे अब तुम्हें विश्वास होगा, तभी मुझे विश्वास होगा। ठीक है बेटे, ब्रह्मा विष्णु और शंकर कसम खाकर कहते हैं कि हम आपकी शादी अपने भांजे इंदल के साथ ही करेंगे। मामा जी आपने तो पहले कसम खा लिया, लेकिन मुझे मालूम है मामा कितने झूठे होते हैं, झूठी कसम खाते हैं। मैं आपकी कसम नहीं मानूंगी। चाचा जी आप कसम खाइए। ठीक है बेटी, अगर ठीक है हम पर विश्वास नहीं है, आप पर विश्वास नहीं करती हो तो मैं गंगा माँ को साक्षी मानकर की तरफ हाथ उठा करके तुमसे इस बात की कसम खाता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर मैं अपने भतीजे इंदल की शादी तुम्हारे साथ ना करूं तो मेरी तलवार रणस्थल में कभी काम ना आए और मुझे मेरी माँ का दूध हराम होगी। ठीक है चाचा जी, मुझे आपकी बातों पे विश्वास हो रहा है, यकीन हो रहा है, भरोसा करती हूँ मैं आप। मैं तुमसे यही गुजारिश करूंगा कि एक बार मुझे एक महीने की मोहलत दे करके इंदल को मेरे साथ जाने दो बेटी। लेकिन एक महीने के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इंदल की बारात लेकर के पालक मुखारे मैं खुद आऊं। चाचा जी लेकिन मैं आपको इंदल को आपके साथ इंसान बनाकर नहीं भेजूंगी। फिर कैसे? बल्कि मैंने जिस तरह लाई थी तोता बनाकर, उसी तरह तोता बनाकर आपके साथ भेजूंगी। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। ठहरिए, आप ले जाना चाहते हो? क्यों बेटी? हाँ तोता बनाकर अगर मैं आपके साथ इनल को इंसान के रूप में भेजूंगी तो ये मेरा राज है। यहाँ पे मेरे भाई और पिताजी की हुकूमत चलती है। कोई अगर जान जाएगा तो मेरी बदनामी होगी और इनल बचकर यहाँ से जाने भी नहीं पाएगा। लेकिन बेटी इसीलिए मैं आपको ऐसा पिंजरा दूंगी, ऐसा फंदा दूंगी जिसको आप यहाँ से ले जा सकते हैं और कोई आप पर शक भी नहीं करेगा। ठीक है? ठीक है। लेकिन हमें तोता बनाकर दे दोगी बेटी, लेकिन ये मनुक कैसे बनेगा? मैं बता रही हूँ, चाचा जी आप इसे देख रहे हैं ना, ये मेरे जादू का ऐसा फंदा है जिसके कारण आपका भतीजा इंदल वो पक्षी बन चुका है और आप इसको ले जाइए और यहाँ से चले जाना। जब इस राज के बाहर निकल जाना, इस राज से बाहर, तभी इसके दोनों गांठ खोल देना और एक दो तीन करना, आपका भतीजा इंदल आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है बेटी। लेकिन चाचा जी और मामा जी, बोलो बेटी। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया, अपना वादा निभाया, लेकिन आप लोग बेटी इस बात पे आप बेफिक्र रहिए, हम वादा करते हैं
कि एंगल के साथ तुम्हारी शादी होगी। ठीक है, आप यहाँ से ले जाइए और गंगा के उस पार इस सड़क के बाहर जब पहुँच जाएंगे वहीं पे इसकी गांठ खोलना। ठीक है, ठीक है, आओ चलते हैं। खुश रहो बेटी। देखो देखो हम लोग नदी को पार करके कितनी दूर आ गए हैं। इसकी गांठ खोलो। अब इसकी गांठ खोलते हैं, देखते हैं इसमें कहां तक सच्चाई है भैया। ठीक है, नंबर एक, नंबर दो, नंबर साजी बेटा इंदल, अगर आप मुझे नहीं आ जाते निभाने तो ये राजकुमारी ना जाने मेरे साथ और कितना जुल्म करती। वो मैं जानता हूँ बेटे, लेकिन तुम्हारे गायब होने के बाद तुम्हारे चाचा पर क्या क्या जुल्म हुआ है ये मैं जानता हूँ बेटा। आओ चलो भैया। क्या बात है, तुम ले जाओ इंदल को महोबा नगर ले। क्या आप नहीं जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा भैया। ठीक है, आओ चलते हैं इंदल। ठीक, लेकिन बेटा मैं जिस काम के लिए मेरा देश निकाला हुआ मुझे जल्लादों के हाथ सौंपा गया। चाचा जी आज मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख करके देता हूँ। क्या चिट्ठी? ये चिट्ठी तुम अपनी माँ को दिखा देना जा करके, भाभी सब समझ जाएंगे, वरना उन लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ बेटा या मर गया हूँ। लो लो, इसमें मेरी मोहर लगी हुई है, ये चिट्ठी भाभी जी को जरूर दिखा देना जा। ठीक है चाचा जी। और भैया से कह देना कि 15 दिन के अंदर बारात लेकर बलग बुखारे आ जाए। ठीक है चाचा जी, जाओ भैया इंदल को ले। बेटा इंदल ये राज ही रहेगा, अपनी माँ से ये बात बता देना कि जिस वक्त तुम्हारी बारात आएगी ये बात सिर्फ तुम्हें मालूम होगी, मैं तुम्हें नरवल गल। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें अपने पिताजी से नहीं बोलना कि चाचा जिंदा है। ठीक है, आओ 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 आओ, चलो चलो। इधर देखो, ये तुम्हारी माँ है, जाकर के मिल लो। माँ 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 माँ, क्या बात है माँ, तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया माँ? देखो माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले। मुझे अपने आंचल में छिपा ले।
केस लगा ले यार मेरा।